मंडल कमीशन के जनक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की पुण्यतिथि पर भदोही विधायक जाहिद बैग ने पुष्प और माला चढ़ाकर उनके जीवन के मूल्य उद्देश्यों को उजागर किया। इस दौरान कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज जो है माननीय स्वर्गीय बीपी मंडल जी का पुण्यतिथि है। आप बीपी मंडल साहब पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए भी हमेशा राय रहे हैं। एक आयोग का गठन किया था और पिछड़ों को आरक्षण के बारे में 27% आरक्षण किया। इन्होंने आयोग बनाया, राय लड़ी, लेकिन बहुत सी सरकारें आई गई, पिछड़ों के बारे में किसी ने सोचा नहीं। जब जनता दल की सरकार बनी, नेताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उस वक्त भदोही के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे पिताजी यूसुफ बेग साहब भी थे। बीपी सिंह ने मंडल आयोग का कमीशन लागू किया और ये जो पिछड़ों का हक था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी पिछड़ों के बारे में कुछ सोचा नहीं, ना उनको न्याय दिलाने के बाद सोचा। जो उनको लगा कि 27% आरक्षण पिछड़ों को मिल जाएगा, तो सड़कों पर जो टांडव हुआ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन उस आंदोलन में पिछड़ों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में वो भी शामिल थे। ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि पिछड़ों का के नाम पर वोट मांगना, सत्ता पे काबिज होना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। कहने कुछ और, करने कुछ और, लेकिन जब पिछड़ों की हक की बात आएगी, पिछड़ों को देने की बात आएगी, तो पिछड़ों के खिलाफ खड़े काम करते हैं। जो 27% का आरक्षण बीपी मंडल साहब के आयोग पे जनता दल की सरकार जब बनी थी, नेताजी और बीपी सिंह ने दिया, उसको लागू हुआ। आज जो प्राइवेट कंपनियों को बेचा जा रहा है, सरकारी कंपनियां, ये एक